अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदू कम्युनिटी के एक छोटे से घर का ओल्ड कल्चर दिखा रहा हूँ। अब जदीद दौर आ चुका है, पाकिस्तान में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो पक्के मकानों में रहते हैं, कच्चे घर अब बहुत ही कम रह चुके हैं। अगर हैं भी तो वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी थोड़ी सी पाकिस्तान की गरीब है और जो मुसलमान हैं वो थोड़े से अमीर हैं, यानी कि मिडिल क्लास हैं। तो उनके पास जो घर हैं वो रहायश उनकी थोड़ी पक्की और वो जदीद दौर में है। और जो हिंदू कम्युनिटी है इनका अभी तक जो रवाज है वो ओल्ड कल्चर का है, तो पुराने ज़माने में ये लोग जी रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको इनका ओल्ड कल्चर दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, पहले दौर के जो लोग थे वो अपने हाथों से काम करते थे, ख़वातीन घर के सारे कामकाज करती थी, जैसे कि सुबह सुबह उन्होंने दूध रिड़कना, दूध से लस्सी और मक्खन बनाती थी। और जो मर्द हजरात होते थे वो अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह या अपनी फसल वगैरह उन्होंने काश्त की होती थी, तो उनके अंदर सुबह सुबह काम करने के लिए जाते थे और दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करते थे, फिर शाम की उनकी यही रूटीन दोबारा से शुरू हो जाती थी। लेकिन आज के इस जदीद दौर में भी कुछ घर बहुत ही ज़्यादा गरीब है अपनी गुरबत की वजह से, वो भी अभी भी ओल्ड कल्चर में ही अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर रहे हैं। तो आज मैं आपको हिंदू कम्युनिटी का ओल्ड कल्चर दिखा रहा हूँ, जिसमें ये लोग ज़्यादातर अपने हाथों से काम करते हैं, यानी कि इनके पास कोई ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं है, यहाँ तक कि इनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। तो अगर नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अगर इस चैनल पर आप नए हों तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, हम आपको एक हिंदू कम्युनिटी के मड हाउस की सैर करवा रहे हैं। छोटा सा घर है, तो आप ये देख सकते हैं कि अम्मा जी इधर दूध रिड़क रही हैं, जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी मॉर्निंग रूटीन जिस तरह से ये दूध रिड़का जाता है, उसके बाद ये नाश्ता बनाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि बाबा जी बैठे हैं, इस घर के मालिक। क्या हाल है बाबा जी, ठीक हो? दुआ बाबा, दुआ खैर। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? चौथू राम है। चौथू राम, चौथू राम, ठीक हो गया। अच्छा बाबा जी, यार जी तुसी तस्बीह गेड़ रहे हो, ये ते की पढ़ते पे? अल्लाह अल्लाह तौबा कर दे, जिन्हें नमाज पढ़ दे। अच्छा, अल्लाह तौबा कर दे, अल्लाह दा नाम लेने हो? अल्लाह दा नाम, ठीक हो गया, ठीक। ये देखें जी, जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है, तो बाबा जी बता रहे हैं कि मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, जैसे हम लोग अल्लाह तौबा करते हैं इसी तरह से वो इबादत कर रहे हैं अपनी। बाकी ये इनका घर है, और इधर देखें तो अम्मा जी जो है ना दूध रिड़क रही हैं सुबह सुबह। तो जी, दूध रिड़कना का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखें जी, मक्खन भी ऊपर हार्ड शेप में आ चुका है, आपको नज़र आ रहा है। तो और अम्मा जी जो ये मदानी है उसकी अभी सफाई कर रही है, मक्खन उतार रही है, तो अभी इसका पेड़ा बनाया जाएगा। बैठा
नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले सीन में देखा कि हमने आपको दिखाया कि अम्मा जी दूध रिड़क रही थी, लस्सी और मक्खन बना रही थी, तो अभी इन्होंने नाश्ता बनाना है। तो अभी ऊपर इन्होंने हांडी वगैरह रखी है, उसके अंदर भिंडी थोड़ी बना रहे हैं, और इधर अम्मा जी जो है ना आटा गूंद रही हैं रोटियां पकाने के लिए। तो ये सुबह सुबह का नाश्ता है। मॉर्निंग रूटीन में आपको एक हिंदू फैमिली की मॉर्निंग रूटीन दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, सुबह सुबह का टाइम है तो हर बंदा अपनी अपनी एक्टिविटी में बिजी है। तो ये बाबा जी गधा रेडी जोड़ रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं ये चारा लेने के लिए अपने दूसरे जानवरों के लिए। तो जैसे कि सुबह सुबह टाइम है तो इन्होंने अपने जानवरों के लिए चारा भी इकट्ठा करना है। तो ये देखें, ये इनके जानवर है और ये इनका घर है। तो अभी बाबा जी जो है ना वो खेतों में जा रहे हैं। बाबा जी कित्थों लिआउणे ने पट्ठे? गर्मी हो जाती है। नाज़रीन, इधर काफ़ी सारे घर हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक घर, ये वाला जो आपको सामने नज़र आ रहा है, एक बंदे का ये घर है, और इनके अंदर ये हाँ मंदिर भी है, सेन में छोटा सा एक मंदिर है, और एक घर वो है, और एक घर ये है जिसकी हम आपको मॉर्निंग रूटीन दिखा रहे हैं। और एक घर वो आप देख सकते हैं, और उसके साथ एक घर है, मतलब 6-7 घर है। तो इधर इनके जानवर हैं और काफ़ी बड़ा इनका सेन है, और एक इनके घर में हैंडपम्प भी लगा हुआ है। ये बच्चे हैं इनके सारे, पता नहीं अब किस घर के ये बच्चे हैं। तो बाकी वो देखें जी, वो हैंडपम्प भी लगा हुआ है। ये सब घरों का एक ही हैंडपम्प है। अगर इन्होंने सुबह सुबह ये इबादत भी अपनी करते हैं तो ये वो मंदिर है, तो सारे उधर ही जाके अपनी इबादत करते हैं। Thank you.
क्या नाम है इस बच्चे का? अनिल है? अनिल अनिल अच्छा अनिल कपूर ऐसे तो ये भी इस घर के बच्चे बैठे हुए हैं सारे, तो आप देखें ये नाजरीन। तकरीबन जितने भी मैंने आपको मड हाउस दिखाया है तो उन सब में ये इस तरह का एक बनाया होता है मिट्टी का, तो इसमें बर्तन रखे जाते हैं जी, ये देखें। तो अभी इसमें बर्तन नहीं पड़े लेकिन ये बर्तन रखने के लिए स्पेशल बनाया जाता है। और इधर देखें तो अम्मा जी इधर नाश्ता बना रही हैं, तो अभी एक दो रोटियां पकी हैं, बाकी अभी अम्मा बना रही हैं। खाना पककर तैयार हो चुका है, बच्चे भी ऊपर बैठे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कभी कब खाना पककर तैयार हो और हम खाएं। तो ये देखें जी अम्मा जी ने अब सारी रोटियां बना ली हैं, तो अभी ये नाश्ता करने लगे हैं। और
घुमारा।